नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल हमारा बिहार में। आज 17 अप्रैल 2019 है और 17 अप्रैल 2019 से जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो बिहार से जुड़े हुए हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, महावीर जयंती कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, महावीर जयंती मनाया जाता है 17 अप्रैल को। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। अब नाम आया महावीर जयंती का, तो चलिए इनके बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं कि बिहार में जैन धर्म का उदय 6वीं शताब्दी में हुआ था और महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर थे। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंड ग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम यशोदा तथा इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। और महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्रकृत भाषा में दिया है। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में राजगीर के निकट पावापुरी में हुई थी। प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व में तथा द्वितीय जैन संगति वल्लभी जो कि गुजरात में पड़ता है 513 ईस्वी में हुआ था। तो जैन धर्म से और महावीर स्वामी के बारे में इतना जानकारी याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक सर्वे के अनुसार पटना एयरपोर्ट से वर्ष 2018-19 में कितने लोगों ने हवाई यात्रा की है? तो दोस्तों, पटना एयरपोर्ट से वर्ष 2018-19 में 40,61,000 लोगों ने हवाई यात्रा की है। ठीक है, और इसकी अपेक्षा वर्ष 2017-18 में 31 लाख लोगों ने यात्रा की थी और पिछले साल की अपेक्षा इस साल 30.54% की वृद्धि हुई है यात्रियों की संख्या में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए नेपाल में तेज वर्षा के कारण किस नदी का जल स्तर में वृद्धि हुई है जिस कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है? तो दोस्तों, बिहार में एक नदी है लाल बकेया। ठीक है, तो इसी नदी में पानी का जल स्तर इतना बढ़ गया है जिस कारण बाढ़ की संभावनाएं बढ़ गई है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। और ये जो लाल बकेया नदी है ये पूर्वी चंपारण में पड़ता है। ठीक है, अब नाम आया है पूर्वी चंपारण का, चलिए बिहार के मैप में देखते हैं पूर्वी चंपारण कहाँ पे है। दोस्तों, ये रहा पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण जिला किसके जिला से सटा हुआ है? तो इधर पश्चिमी चंपारण है और ये शिवहर है, सीतामढ़ी है, मुजफ्फरपुर है। ठीक है, तो इन जिला से सटा हुआ है और पूर्वी चंपारण के और ये गोपालगंज के बीच में दोस्तों गंडक नदी बहती है। ठीक है, गंडक नदी जो है इधर पश्चिम चंपारण से प्रवेश करती हुई, ठीक है, और यहाँ हमें पटना के पास, ठीक है, जाके गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, पटना में एक सोनपुर है, सोनपुर में जाके गंगा नदी से मिल जाती है। चलिए इसको देखने के लिए चलते हैं बिहार के एक भौगोलिक मैप पे। देखिए दोस्तों, ये आ गया बिहार का ज्योग्राफिकल मैप। देखिए, यहाँ से गंडक नदी प्रवेश की पश्चिमी चंपारण होते हुए, ठीक है, देखिए यहाँ पूर्वी चंपारण गोपालगंज के बीच में भी गंडक नदी है। ठीक है, और यहाँ में पटना के पास आके सोनपुर में आके मिल जाती है गंगा नदी में। ठीक है, अब नाम आया है पूर्वी चंपारण का, तो चलिए पूर्वी चंपारण के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये पूर्वी चंपारण का जो क्षेत्रफल है 3,968 वर्ग किलोमीटर है। पूर्वी चंपारण का साक्षरता दर हो गया 55.79% और यहाँ का जनसंख्या घनत्व 1,285 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और यहाँ का लिंगानुपात हो गया 902 महिला प्रति 1,000 पुरुष और यहाँ की प्रमुख नदियाँ गंडक हो गई। पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया नामक स्थान से बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, तो पूर्वी चंपारण जिला से इतना याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस संस्थान के द्वारा बनाया गया फ्लोटिंग टॉयलेट को पेटेंट के लिए आवेदन दिया गया है? यानी फ्लोटिंग टॉयलेट के पेटेंट के लिए आवेदन दिया गया है। तो दोस्तों, ये फ्लोटिंग टॉयलेट जो है ये NIT पटना के द्वारा बनाया गया है और ये जो फ्लोटिंग टॉयलेट है ये एक प्रकार का ऐसा टॉयलेट है जो कि पानी के ऊपर तैरता रहेगा और बाढ़ जब आएगी तो बाढ़ की स्थिति में इसका यूज किया जाएगा। ठीक है, तो यह एक बहुत ही अच्छी चीज़ है
और इसका जो निर्माण किया गया है NIT पटना के द्वारा किया गया है, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार पूर्ण शराबबंदी के बाद बिहार के किस जिले में सबसे अधिक शराब की कालाबाजारी हो रही है? तो दोस्तों पटना जिला में सबसे ज़्यादा कालाबाजारी हो रही है, यानी ब्लैक से शराब की तस्करी हो रही है। ठीक है, जो कि इलीगल है, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, अब नाम आया है पटना जिला का, तो चलिए देखते हैं फिर बिहार के मैप में पटना जिला कहाँ पे है। तो ये आ गया बिहार का मैप। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये रहा पटना जिला। पटना जिला का सीमा किसकी जिला से सटा हुआ है? तो जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा और लखीसराय से सटा हुआ है, बस इन चार जिला से सटा हुआ है। और इधर जो भोजपुर और पटना है, इन दोनों के बीच में फिर सोन नदी प्रवेश करती है, सोन नदी बहती है। सोन नदी रोहतास से होते हुए प्रवेश करती है। ठीक है, और ये गंगा, सॉरी, पटना और भोजपुर के बीच में भी बहती है। और ऊपर जो देख रहे हैं सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, इन जिलों के बीच, इन जिलों और पटना के बीच में गंगा नदी बहती है, यानी पटना दो नदी से घिरा हुआ है, एक तरफ से सोन नदी है, ऊपर से गंगा नदी है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको ज्योग्राफिकल मैप में। देखिए ये आ गया ज्योग्राफिकल मैप। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये रहा पटना। ठीक है, पटना के इस साइड से देखिए गंगा नदी बह रही है और इधर से सोन नदी बह रही है, यानी पटना दो नदियों से घिरा हुआ है। ठीक है, अब नाम आया पटना जिला का, तो चलिए देखते हैं पटना जिला के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये आ गया, ये पटना जिला का जो क्षेत्रफल है 3202 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यहाँ का साक्षरता दर हो गया 70.68%, यहाँ का जनसंख्या घनत्व हो गया 1823 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यहाँ का लिंगानुपात है 897 महिला प्रति 1000 पुरुष, और पटना की प्रमुख नदियाँ हो गई सोन, गंगा और पुनपुन। ठीक है, पटना को और किस किस नाम से जाना जाता है? तो पटना को पाटलीग्राम, पाटलीपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पपुर और अजीमाबाद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आधुनिक पटना के स्थापना 16वीं सदी में शेर शाह सूरी के द्वारा हुआ था, और प्राचीन पटना का स्थापना हुआ था मगध के राजा अजात शत्रु के द्वारा। 1912 में बंगाल के विभाजन के बाद पटना उड़ीसा और बिहार का राजधानी बना था। उस समय उड़ीसा और बिहार एक संयुक्त प्रांत था जिसकी राजधानी पटना बनाया गया था। बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला पटना है, और दोस्तों पटना में ही गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था, जो कि 26 दिसंबर 1666 में हुआ था। ठीक है, पटना के गोलघर का निर्माण जॉन गॉस्टिंग ने 1786 में करवाया था, जिसे अनाज के भंडारण के लिए बनाया गया था। पटना में तीसरा बौद्ध संगति का आयोजन किया था, जो कि पाटलिपुत्र में हुआ था, और ये 251 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तिस्म। इस बौद्ध संगति में अभिधम्म पिटक का रचना हुआ था और संघ भेद रोकने के लिए नियम बनाए गए थे। और एक विदेशी यात्री थे यूनान के, जिसका नाम था मेगास्तनीज। मेगास्तनीज जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पटना आए थे। और एक और विदेशी यात्री थे डाइमेकर, जो कि सीरिया के थे, ये बिंदुसार के शासनकाल में पटना आए थे। पटना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1912 का, जो कि बाकीपुर में हुआ था, और बाकीपुर पटना में ही है। ठीक, तो पटना जिला से इतना इन्फॉर्मेशन याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शाह मनेरी का कौन सा उर्स मनाया जाएगा? था दोस्तों मखदूम शाह मनेरी का 750वां उर्स मनाया जाएगा, तो इसका सही उत्तर सी हो गया। ठीक है, अब चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं ये वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, और दोस्तों इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ऐप पर सर्च कीजिए हमारा बिहार और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ से आप सारे दिन का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और सारे वीडियो का लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।